अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आमिर टेक बाबू पे आप सबको खुश आमदीद। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं कि इन पेज के अंदर आप कीबोर्ड लेआउट सेटिंग को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और इसमें कितने कीबोर्ड इंस्टॉल होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उर्दू इन पेज कीबोर्ड सेटिंग लेआउट के बारे में। तो उसके लिए आप सबसे पहले, जैसे कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही हम इन पेज इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉलेशन के बाद जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होता है वो मोनोटाइप होता है। आपने क्या करना है, एडिट पे क्लिक करके प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पे जाके कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पे क्लिक कर देना है। आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोनोटाइप ऑलरेडी सिलेक्ट है। अब क्या है कि मोनोटाइप का जो कीबोर्ड लेआउट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आम यूज़र उसे समझ नहीं पाता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके कैपिटल ए से शत को ला सकते हैं, स्मॉल लेटर से स्मॉल ए से आप काफ ला सकते हैं, सेम एज इट इज़। अगर आप एम कैपिटल लिखेंगे तो फोर आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कीबोर्ड लेआउट है जो इस वक्त हर शख्स इन पेज को इस्तेमाल करते हुए जो लेआउट कीबोर्ड यूज़ करता है वो है फोनेटिक। अगर फोनेटिक का हम लेआउट देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपके सामने अपेयर होता है। जैसे कि ए कैपिटल ए से हम ये ला सकते हैं, और इसी तरीके से आप स्मॉल लेटर से अलिफ, एस से सीन और कैपिटल एस से स्वात को हम टाइप कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा कीबोर्ड लेआउट है इन पेज के अंदर जो 100% लोग यही ही इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे कीबोर्ड हैं, अरबिक है, फारसी है, कश्मीरी है, कुर्दिश है और बहुत सारे, लेकिन उर्दू टाइप करने के लिए आपको फोनेटिक कीबोर्ड का सहारा लेना पड़ता है। ओके कर दें। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ आपके सामने। तो ये छोटी सी एक सेटिंग थी जो मैंने आज आपको बतानी थी कि इन पेज के अंदर आप कीबोर्ड लेआउट की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।